का न्यू मॉडल 450 मॉडल जो अभी हाल ही में नया लॉन्च हुआ है। भाई टेल लाइट कहाँ है? कुछ इस तरीके से इसमें देखो नेविगेशन दिखेगा, मतलब मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये बाइक कुछ कुछ एक्सपर्ट्स जैसी बनाई है। हिमालयन का न्यू मॉडल 450 मॉडल जो अभी हाल ही में नया लॉन्च हुआ है, तो आज इसी के बारे में ब्रीफली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मैं आया हूँ श्री जी ऑटोमोबाइल्स ग्रेटर नोएडा, तो बाकी बाइक के बारे में आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, मैं सारे के सारे जो है डिटेल्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो प्रॉपरली मैं सारा का सारा इसमें वीडियो आपको बताने वाला हूँ, इस बाइक में क्या नया चेंज है, उस बाइक में टोटली नया क्या है। ठीक है, बाइक लिटली पूरी की पूरी चेंज हो गई है अभी, और ब्रांड न्यू इंजन मिल गया है, टॉर्क एंड पावर बढ़ गई है, नए कलर मिल गए हैं, और ह्यूमंगस लग रही है। जो पुरानी वाली जो हमारी हिमालयन थी 411, उससे ज़्यादा मतलब इसको में पावर है और उससे देखने में काफ़ी बड़ी लग रही है। जिन लोगों को लग रहा था ना कि ये बाइक जो है एक्सपल्स को कॉपी करके बनाई गई है, तो भाई वो सिर्फ वीडियो में देखने में लगता है, जब पास आके इस बाइक को देखोगे तो ये बाइक कहीं से भी एक्सपल्स से मैच नहीं हो रही है। मतलब मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये बाइक कुछ कुछ एक्सपल्स जैसी बनाई है हिमालयन को जो बनाया है, लेकिन अभी जब मैं यहाँ के इस बाइक को देखा है, लिटरली इसमें एक्सपल्स जैसा कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी बड़ी लग रही है यार एक्सपल्स से, और अभी मैंने बेसिकली इसको चला के भी देखा तो फील भी इसमें मतलब एक्सपल्स से आपको डबल पावर डबल सब कुछ डबल मिल रहा है। सो पहले मैं आपको इसका एक क्विक वॉक अराउंड दे देता हूँ, फिर बाकी इसके पावर प्राइस मॉडल्स कलर्स के बारे में सब कुछ हम इसमें जो है वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखना, इस बाइक के बारे में पूरा कुछ भी आप जानना चाहते हो। ठीक है, सो बाइक का क्विक वॉक अराउंड लेते हैं। देखिए बाइक जो है देखने में कुछ कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। भाई जिसको भी बाइक के बारे में लिटरली सही से पता करना है ना, बाइक को आके चेकआउट करो शोरूम पे। बाकी जितनी सोशल मीडिया पे इसके बारे में जो भी बातें बोली जा रही है भरोसा मत करना, अगर आपको ये बाइक सच में लेनी है और देखनी है तो शोरूम पे आके चेक करना, तभी ये बाइक आपको समझ में आने वाली है। आई डोंट नो वीडियो में कितनी जस्टिफाई होगी ये बाइक। ये देखिए इसका पीछे से कुछ इस तरह का लुक है। ठीक है, पहले आप एक बार बाइक चारों तरफ से देख लो, देखने में बाइक कैसी लग रही है। लिटरली अल्टीमेट एडवेंचर मशीन है ये। सो गाइस दिस इज द बीस्ट, जिससे अभी मैं थोड़ा सा राइड करने जा रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो शाम के टाइम हम आए हैं यहाँ पे रॉयल इनफील्ड श्री जी ऑटोमोबाइल्स पे। बाकी मैं इसको चला के थोड़ा सा फील लेके आता हूँ, और बाकी जो भी इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह होंगे वो हम बैठ के बात करेंगे। अंदर भी एक लगी हुई है, बहुत प्यारे कलर में लगी हुई है, बट मुझे ये वाला कलर पर्सनली बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड लुक दे रहा है बाइक को। अभी इसका कर लेते हैं एक डिटेल में बात, इसमें क्या क्या चेंजेज हैं, क्या क्या इसमें नया है, और क्या इसमें मतलब एक्साइटमेंट वाली बातें हुई हैं। बेसिकली देखो, मैं अभी थोड़ा सा एक क्विक लेके आया हूँ क्विक, और मैंने इस पर एक राउंड लिया था, ज़्यादा टाइम नहीं था, अभी अंधेरा हो गया था, इसलिए तो मैं छोटा सा एक टेस्ट राइड लेके आया। जो अल्टीमेट इस बाइक में मज़ा आया ना, मुझे पता है। सो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको मिल जाती है LED लाइट, LED इंडिकेटर, और एक फ्लाई भी बड़ा प्यारा सा ये जो है वाइजर दिया हुआ है, जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, पर्पजफुल भी है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे बीक मिल जाती है आपको, और नीचे आते हैं फेंडर है, टायर मिल जाता है इसमें आपको सीएट का, जो कि है 90x90 20 इंचेस। और ये देख रहे हो गाइस, लुक एट दिस, इस वाले कलर में गोल्डन कलर के जो रिम दिए हुए हैं ना स्पोक व्हील के साथ में, A1 लग रहा है, एक नंबर। कंसोल को हम चाबी ऑन करेंगे, चाबी ऑन की तो हिमालयन लिखा होता है, उसके बाद में ये आपका आ जाता है। और इसमें आपको जो है मोड्स मिल जाते हैं दो बेसिकली, ये देखिए मैं इसको, यहाँ पे है मोड्स बटन, इसको हम 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करेंगे तो इसमें मोड जो है चेंज हो जाएगा। ये आ गया आपका एनालॉग, और एनालॉग बेसिकली डिजिटल में एनालॉग दिया ना, ये मुझे बहुत प्यार लगता है। रॉयल इनफील्ड की फर्स्ट बाइक है जिसमें आपको फुल्ली डिजिटल TFT कंसोल जो मिलने वाला है, और ये सुई ऐसे जाती है ना यार, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। और ये आपका यहाँ पे ऑडोमीटर है, यहाँ स्पीड है, यहाँ पे ट्रिप है, पेट्रोल, इंजन, बहुत सारी लाइट्स इसमें आपको यहीं मिलेंगी सारी की सारी। ठीक है, और इसमें मोड्स भी हैं, देखिए यहाँ पे ये मोड्स का बटन है, ये वाला मोड्स का हम बटन दबाते हैं तो इसमें जो है मोड्स चेंज होते हैं। देखिए राइड मोड है, परफॉर्मेंस मोड में है, सेकंड प्रेस करेंगे तो ABS ऑफ हो जाएगा। ठीक है,
इको मोड में एबीएस ऑन है। इसको जो है सिंगल प्रेस करते हैं तो आ जाता है और डबल प्रेस पे चेंज हो जाता है। ठीक है, टैंक पे देखिए बड़ी प्यारी सी बैजिंग की हुई है, रॉयल हिमालयन, रॉयल इनफील्ड, E20 पेट्रोल जो है सपोर्ट करता है। और टैंक देखो ना बहुत बड़ा यार, ह्यूमंगस 17 लीटर का टैंक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लॉन्ग रेंज आपको ये देगी इसमें। इसके बाद आ जाते हैं सीट पे, तो सीट जो है काफ़ी कुशनी है और यहाँ पे देखो बैजिंग की हुई है, रॉयल इनफील्ड की बैजिंग है। इसके बाद में टेल सेक्शन में ये दिया हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ ना रॉयल इनफील्ड में जो मुझे लगती है पर्सनली, देखिए ये जो क्रैश गार्ड टाइप का ये पूरा एक लगा के देते हैं, यहाँ पे देखिए ये अच्छा सा एक क्रैश गार्ड जैसा लगाया हुआ है, यहाँ जेरी कैन वगैरह। और जब आप टूरिंग पे जाते हैं देखिए बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ये हुक्स बना दिए हैं इस बार, तो ये हुक्स जो है आपको जैसे आपकी लगेजेस वगैरह टाई करने में आपकी हेल्प करते हैं, ये जो दिए हैं काफ़ी अच्छे दिए हैं इसमें। ठीक है, पिलियन सीट भी कम्फर्टी है, राइड की मे बी मैं इसमें एक लॉन्ग राइड वीडियो बनाऊँ तब मैं आपको बताऊँ, लेकिन अभी जितना मैंने इसको चलाया उसमें इतना ज़्यादा एसेस इशू हुआ नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंजन पे आ जाते हैं, तो इंजन जो है आपका ये नया इनका है जो जे सीरीज पे इन्होंने बनाए हुए हैं, 450 सीसी लिक्विड कूल्ड ब्रांड न्यू इंजन इस बाइक को मिला है। ठीक है, गियर 6 स्पीड गियर है इसमें, 1 डाउन एंड 5 अप हैं। इसके बाद बात करते हैं बटन्स की, तो बटन एज यू नो अब यहाँ पे चेंज हो गए हैं जो इनकी सारी बाइक्स में आ रहे हैं। और इसके जो थोड़े से बटन्स की जो क्वालिटी है अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मुझे इसकी लग रही है। ये मोड बटन है, यहाँ कुछ है नहीं इसी में, ये सेल्फ किल सेल्फ एंड सारा इसी में इंडिकेटेड है। यहाँ पे आपका जो बटन है हैजार्ड्स है, तो बेसिकली बटन्स की जो पोजीशन दी गई ना वो बहुत प्यारी दी गई है। देखो ये है आपका हैजार्ड्स, यहाँ से ऑन कर सकते हो स्टार्ट एंड मोड, तो आपकी फिंगर्स एंगेज रहेंगी। ठीक है, इसके बाद इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपका सेम वही है, पास लो एंड हाई। यहाँ पर आपका ये एक होम बटन है उसके लिए इसको जो नेविगेट करने के लिए। इसके बाद में नीचे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इसका हॉर्न है और ये यहाँ पे एक जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक से आप जो है आप वहाँ पे जो है इसको नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये होम बटन है, इसको दबाने से आपका ये आ जाता है, अब इसको नेविगेट कर सकते हैं। देखिए ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजप्शन एवरेज वगैरह, बैटरी वोल्टेज, ये जो है इसमें इंजन टेम्परेचर, सारा कुछ आपको इसमें जो है काफ़ी मतलब इंफॉर्मेटिव है। और मतलब सबसे अच्छी बात मुझे लगी है इसमें जो बटन्स दिए हैं ना, ये मतलब एकदम ऐसे आपके रेंज में दिए हैं सारे के सारे, जैसे मोस्टली मैं आपको पास के लिए यहाँ बटन देते हैं ये करते हैं, तो सारी फिंगर्स आपके आपको बिना ग्रिप छोड़े आप सारे बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो है ये लगी है इसमें। इसके बाद एग्जॉस्ट की बात करते हैं, तो देखिए एग्जॉस्ट है जस्ट लाइक कॉपर फिनिश टाइप का है, बेस प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे बेस प्लेट है जो कि प्लास्टिक की है। और सबसे अच्छा पार्ट लगा इसका जो कैनिस्टर है ना, लिटरली बहुत ही छोटा है और बहुत ही प्यारा दिया है। ब्रेक पे बेसिकली ये टीट्स दिए हुए हैं ताकि आप एडवेंचर वगैरह ऑफ रोड वगैरह करें तो आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पे भी टीट्स हैं। और ये रबड़, आई थिंक ये जो रबड़ है निकल जाती है, रबड़ निकलने वाली है। भाई टेल लाइट कहाँ है? टेल लाइट गाड़ी में नहीं है, टेल लाइट की जगह पे देखो ये है, मैं जस्ट बजा कर रहा था। देखो बहुत अच्छा फीचर दे दिया है ये, इस बार यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स हैं, लाइट जलेगी, देखो इस तरह से ये इंडिकेटर्स जब जलेंगे तो इस तरह से रहेगा, बाकी देखो ब्रेक दबाने पे ये हो रहा है, इंडिकेटर्स रहेंगे तो ऐसा रहेगा। तो टेल सेक्शन में से टेल लाइट ख़त्म करके यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा ये दे दिया है। यहाँ से बात करें सिंगम, सिंगम आपको बॉस बॉक्स टाइप का सिंगम मिल जाता है। पीछे भी सस्पेंशन एडजस्टेबल सस्पेंशन है 7 स्टेप, और ये स्विंग आर्म कनेक्टेड है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि स्विंग आर्म कनेक्शन किस तरह से रहता है। देखो यहाँ पे कनेक्टेड है स्विंग आर्म से, और यहाँ पे ये तीन चार जगह से कनेक्टेड रहता है, इसको स्विंग आर्म कनेक्टेड सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, रियर टायर पे आ जाते हैं, तो रियर इसमें 140 सेक्शन का सीट का टायर मिल जाता है, जो कि है 17 इंच का रेडियल टायर है। ठीक है, R73 यानी कि रेडियल टायर है। ठीक है गाइस, और ब्रेक्स इसमें जो हैं आपको मिल जाते हैं बाइब्री के, सिंगल पिस्टन है, आगे डबल पिस्टन है, और पीछे का जो डिस्क है ये 300 mm है, ABS रिंग यहाँ पे लगी हुई है। फ्रंट की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आई थिंक काफ़ी ब्रॉड है गाइज, और ये 320 mm होगा डबल पिस्टन कैलिपर, एकदम अच्छी सी सेफ ब्रेकिंग के लिए। और यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ABS के लिए, ओके फॉर ABS। सो ओवरऑल ये है, और
बाइक देखने में कैसी लग रही है, प्राइस वगैरह सब आपको उसमें पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आके बताइए कैसी लग रही है बाइक। ओके गाइस, सो मेरी जो हाइट है 5.5 है। मैं इसकी सीट पे आपको बैठ के दिखा देता हूँ। और इसकी सीट हाइट है, तो अभी जो इसकी सीट हाइट है इसमें 825 का सेटअप लगा हुआ है। ये बढ़ भी जाती है, वो भी मैकेनिज्म मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। तो मैं पहले इस पर बैठ के आपको दिखाता हूँ कि मेरी जितनी हाइट के लोगों के लिए कितना ईजी रहने वाला है और कितना मुश्किल होने वाली है, वो आपको एक आइडिया इसमें लग जाएगा। सो हम बैठते हैं और इसको करते हैं स्टैंड से अप। थोड़ी सी भारी है गाइस, ठीक है, कोई नहीं। सो गाइस ये आइडिया लगता है, देखो इस तरह से टो टच होते हैं। बेसिकली मैंने शूज़ जो पहने हुए हैं ये अभी नॉर्मल पहने हुए हैं। अगर राइडिंग बूट्स आप पहन के चलाओगे तो इसको चला सकते हो बहुत आराम से। और अब मैं आपको सुना देता हूँ इसका एग्जॉस्ट साउंड, ठीक है। तो थोड़ा सा हेडफोन लगा लेना और एग्जॉस्ट साउंड पे ध्यान देना। ओके गाइस, सो हमारे साथ हैं अंकित भाई, आरई स्पेशलिस्ट, बेसिकली हिमालयन स्पेशलिस्ट है। इसके जो हमें बताइए जो है मॉडल्स और प्राइस का क्या इसका हिसाब है। इसमें तीन मॉडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस मॉडल है, उसके बाद जो मिड मॉडल है उसको हमने नाम बोला है पास से। हिमालयन में है बेस कैंप होता है, फिर पास होता है, समिट होता है टॉप, वैसे इसी के अकॉर्डिंग हमने नाम रखा है इसका। तो ये हमारा है समिट, जो टॉप मॉडल ना हल्ले ब्लैक, देन इसमें एक और कलर आता है कैमेट वाइट। ये दो कलर टॉप में रहेंगे समिट में, जो मैं अभी ड्राइव लेके आया टेस्ट ड्राइव लेके। वो काजा ब्राउन है। अच्छा, वो काजा ब्राउन वो बेस मॉडल है। अच्छा, वो बेस मॉडल है जी, मुझे वो अच्छा लगा। चलो कोई नहीं, अपनी अपनी चॉइस होती है जी सर। उसका भी फीडबैक अच्छा है कलर के। हाँ, वो क्योंकि वो काफी लोगों को पसंद है, क्योंकि वो ये कलर तो अपने आप में यूनिक है। हाँ, बट वो कलर एक ऐसा कलर है जो सबको ही पसंद आ रहा है। इशू क्या है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो बाइक कलर के हिसाब से ना, जैसे अब मैं इस बाइक को देख रहा हूँ उसको देख रहा हूँ, तो बाइक इससे बड़ी लग रही है देखने में, क्योंकि वो उस पर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो उसका लुक पूरा निकल के आ रहा है। अब ये पूरी ब्लैक ब्लैक ब्लैक, हालांकि ये भी बहुत अच्छी लगी है, ब्लैक एंड गोल्ड में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो रिंग है वो ऑसम है। हाँ, इसकी वही चीज़ मैंने देखी। चलिए, तो मॉडल हम टॉप मॉडल का जो प्राइस है वो है 284 एक्सोरूम, और मिड मॉडल का है उसके बाद 279 जो कैमेट वाइट है वो भी टॉप में ही है, और उसके बाद जो मिड मॉडल है पास वाला उसमें 274 के अप्रॉक्स है, और जो बेस मॉडल है काजा ब्राउन उसका 269 ओके 269 बेस मॉडल का पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा कलर्स भी हमें इसमें बता दीजिए क्या क्या कलर। इसमें आपको हालने ब्लैक, कैमेट वाइट और पॉपी ब्लू, और सेल्ट रेड कलर है, और एक हमारा काजल है। पांच कलर हमारे पास है। तो कलर चॉइस बहुत अच्छी है गाइस, आप कलर्स भी इसमें ले सकते हैं। और मैं सिंपली ये बताऊंगा ना, देखो सोशल मीडिया पर पहले ही बोला है, सोशल मीडिया पे वीडियोज वगैरह देख के मत करना। जिसको ये बाइक लेनी है ना, शोरूम पे आके चेकआउट करना, तभी समझ में आएगी, क्योंकि ये बाइक इतनी बड़ी है ना भाई, कवर नहीं हो रही। चलो ठीक है। सो गाइस यही था एक क्विक रिव्यू हिमालयन 450 का। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में आगे बताना, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को। और आपको बाइक कैसी लगी, ठीक है, श्रीजी ऑटोमोबाइल्स पर बाइक आ चुकी है, आप आके यहाँ टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। बाइक का जो भी डिटेल चाहिए वो सब आप यहाँ पे आके ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू सून, सायोनारा, जय हिंद, वंदे मातरम। चाबी इस तरह की है भाई, ठीक है, रॉयल एनफील्ड की।